हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने आज एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि जॉब इन बहरैन, दुबई, कुवैत एंड सऊदी। जी हाँ दोस्तों, अरब देशों की चार कंट्रियों में वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। और यह वैकेंसीज क्यों निकली मैं बता दूँ कि ओपनिंग फॉर रेस्टोरेंट ग्रुप इज़ अ QSR रेस्टोरेंट। जी हाँ, एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप की ओपनिंग हो रही है इन चार देशों में, बहरीन में, दुबई में, कुवैत में और सऊदी में। तो एक एक करके दोस्तों मैं इन सभी देशों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज खाली है, किस जॉब पर कितने पैसे मिलेंगे दोस्तों, और सैलरी के अलावा क्या इंसेंटिव मिलेगा, यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो पहली पहला जो देश है वो है बहरीन दोस्तों, यह अरब देश है। और यहाँ पर क्या क्या वैकेंसीज हैं, पहली वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों सर्विस क्रू की है। जी हाँ, वह क्रू पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या काउंटर पर खड़े होते हैं, है ना, कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद उनको फूड सर्व करते हैं, इनको सर्विस क्रू बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी पोजीशन है दोस्तों बहरीन में, यह है दोस्तों टीम मेंबर की। टीम मेंबर वह होते हैं जो सर्विस पर भी काम करते हैं और किचन में भी काम करते हैं और क्लीनर का काम भी करते हैं। वह एक रेस्टोरेंट के टीम मेंबर होते हैं ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं वहाँ पे टीम मेंबर की पोजीशन है। और दोस्तों तीसरी पोजीशन है दोस्तों यहाँ पे FOH सर्वर की। FOH सर्वर का मतलब होता है F से फ्रंट ऑफ द हाउस। जी हाँ दोस्तों, जो भी रेस्टोरेंट का फ्रंट ऑफ द हाउस होता है, या तो वह लॉबी एरिया होता है या सर्विस एरिया, ठीक है, वहाँ पर वर्क करने के लिए इनको FOH पर्सन की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया सर्विस क्रू, टीम मेंबर और FOH, ठीक है दोस्तों। यह बहरीन में नौकरी है। इनकी सैलरी 130 से 150 बहरीन के रुपए होंगे दोस्तों, जो कि भारत के 24,700 रुपए से लेकर 28,500 रुपए तक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना, 24,000 से लेकर 28,500 रुपए के बीच में इनकी सैलरी होगी। और इनको फूड अलाउंस भी मिलेगा। फूड अलाउंस का मतलब, अगर आपको जॉब पर मील नहीं दी जाती एक समय की, तो उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों बाकी की पोजीशन पे बहरीन में। बाकी जो पोजीशन है वो है दोस्तों, पहली है किचन के क्रू की। किचन क्रू वह होते हैं जिनको किचन में काम करना आना चाहिए, है ना, वो रेस्टोरेंट का किचन हो या होटल का किचन हो, किचन में काम करने के लिए आपको फूड बनाना आना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास एक्सपीरियंस है और आप न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में यह बताया जाएगा कि किचन में क्या क्या फूड बनाया जाता है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है यहाँ पर, वो आप पास कर लोगे तो आप सर्टिफाइड हो जाओगे किचन में क्रू की पोस्ट के लिए, ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है पिज़्ज़ा मेकर की पोस्ट। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बनाना आता है, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज वगैरह में एक्सपीरियंस है और वो लोग अरब देश में नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल कुक की। कॉन्टिनेंटल कुक वह होते हैं जो सीनियर शेफ़ की मदद करते हैं, उनका राइट हैंड बन के काम करते हैं। हर वह चीज़ जो सीनियर शेफ़ को ज़रूरत होती है, वह कुक कॉन्टिनेंटल उनको रेडी करके देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है BOH की। BOH का मतलब होता है बैक ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस होता है सर्विस का एरिया, मिडिल ऑफ द हाउस होता है सैंडविच वगैरह बनाने का एरिया, और बैक ऑफ द हाउस होता है कि उसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं, है ना, चिकन बनाने का हो सकता है या बिरयानी बनाने का एरिया हो सकता है, बैक ऑफ द हाउस उसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये किचन क्रू की, पिज़्ज़ा मेकर की, कॉन्टिनेंटल कुक की और बैक ऑफ द हाउस की, यह सैलरी बहरीन के 140 से 170 बहरीनी दिनार हैं दोस्तों, जो कि भारत के 26,600 रुपये से लेकर 32,300 रुपये तक होगी इनकी सैलरी। और इनको भी फूड अलाउंस दोस्तों दिया जाएगा। अगर खाना आपको कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता तो उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। और यह इन्फॉर्मेशन 100% सही है दोस्तों, 100% ट्रू है कि आपको फूड अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं चाहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो मेहनती हो उसको नौकरी मिले, और अपने दो दोस्तों को दोस्तों ज़रूर शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों अगली जॉब जो कि बहरीन में है, वह क्या है, वह है दोस्तों शिफ्ट सुपरवाइज़र की पोजिशन है वहाँ पर, असिस्टेंट शिफ्ट सुपरवाइज़र। एक होता है शिफ्ट सुपरवाइज़र, उससे नीचे होते हैं असिस्टेंट शिफ्ट सुपरवाइज़र, जो कि क्रू ट्रेनर की तरह होते हैं रेस्टोरेंट में, है ना, जो टीम मेंबर्स वगैरह को काम
उनसे काम करवाते हैं, उनको टास्क देते हैं और शिफ्ट हैंडल करते हैं। इनकी जो सैलरी होगी दोस्तों 150 से 160 बहरैनी दिनार होगी, प्लस फूड अलाउंस होगा। तो इन हैंड इनको भारत के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी दोस्तों 28,500 रुपये से लेकर 30,400 रुपये हर महीने इनको दिया जाएगा दोस्तों। ये असिस्टेंट शिफ्ट सुपरवाइजर हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों रेस्टोरेंट सुपरवाइजर। मैंने बताया ना कि असिस्टेंट शिफ्ट सुपरवाइजर एक पोस्ट नीचे होती है और रेस्टोरेंट सुपरवाइजर एक पोस्ट ऊपर होती है। रेस्टोरेंट सुपरवाइजर जो होते हैं इनकी सैलरी 170 से 180 बहरैनी दिनार होगी, प्लस इनको भी खाने के लिए फूड अलाउंस दिया जाएगा अलग से पैसे, और भारत के हिसाब से 32,300 रुपये से लेकर 34,200 रुपये पर महीने इनको मिलेगा दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों अगली पोस्ट पे। अगली पोस्ट है दोस्तों लाइट डिलीवरी ड्राइवर। लाइट डिलीवरी ड्राइवर वह होते हैं दोस्तों जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, छोटी कारें है ना, जैसे कि छोटी कार डिलीवरी वगैरह करने के लिए या बाइक, तो इनको लाइट डिलीवरी ड्राइवर बोलते हैं। इनकी सैलरी 150 से 170 बहरैनी दिनार होगी, जो कि 28,500 रुपये से 32,300 रुपये भारत के होते हैं, प्लस फूड अलाउंस होगा। बस इनके लिए यह है कि इनके पास GCC होना चाहिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। यह गल्फ कॉपरेशन काउंसिल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इससे पहले गल्फ में जॉब कर चुके हों, तो ड्राइवर के लिए कंपलसरी है। बाकी सभी के लिए अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों दुबई के बारे में बता देता हूँ। बहरैन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब दुबई में कौन कौन सी पोजीशन खाली है दोस्तों। दुबई में दोस्तों पहली है सर्विस क्रू की। जी हाँ, जो ऑर्डर लेते हैं काउंटर पे, ऑर्डर लेते हैं, कस्टमर से पैसे लेते हैं है ना, कस्टमर को ऑर्डर रिपीट करते हैं और फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, पहली सर्विस क्रू की। दूसरी दुबई में भी दोस्तों टीम मेंबर की पोजीशन खाली। टीम मेंबर वह होते हैं जो सारे काम करते हैं, किचन का काम भी, सर्विस का काम भी और क्लीनर भी, ये सभी स्टेशनों पर ट्रेंड होते हैं। उसके बाद BOH बैक ऑफ द हाउस। बैक ऑफ द हाउस पे जो भी काम किया जाता है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट डिवाइडेड होते हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस है ना, बैक ऑफ द हाउस, मिडिल ऑफ द हाउस, तो इनके अलग अलग काम होते हैं कि फ्रंट ऑफ द हाउस वाले सर्विस करते हैं, मिडिल ऑफ द हाउस वाले बर्गर वगैरह बनाते हैं और बैक ऑफ द हाउस वाले चिकन वगैरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों किचन क्रू की ज़रूरत है। यहाँ पे किचन क्रू वगैरह यह होते हैं जो सिर्फ किचन में ही काम करते हैं, ना बैक ऑफ द हाउस में करते हैं ना फ्रंट ऑफ द हाउस में। चार पोस्ट हो गई, सर्विस क्रू की, टीम मेंबर की, बैक ऑफ द हाउस की और किचन ऑफ द हाउस की, चार पोस्ट हो गई। इनकी सैलरी दोस्तों यह है अरब धर्म के हिसाब से इनकी सैलरी 1300 से 1600 इन चारों पोजीशन की, और जो कि भारत के 24,700 रुपये से लेकर 30,400 रुपये तक होते हैं। जी हाँ, इन चारों पोजीशन पे मंथली इतने रुपये मिलेंगे, प्लस बेनिफिट्स अलग से होते हैं दोस्तों इनमें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, है ना, थैंक यू। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, अब जो दुबई में अगली पोजीशन है वो है असिस्टेंट रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र की, है ना दोस्तों। असिस्टेंट रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र मैंने बताया आपको, एक फ्लोर मैनेजर होता है, उससे नीचे होते हैं, ये होते हैं क्रू ट्रेनर की तरह, और इनकी सैलरी जो है दोस्तों 1800 से 2200 इनकी सैलरी है अरब धिरम, और यह 2200 होते हैं 41,800 रुपये, तो 34,200 रुपये से 41,800 रुपये असिस्टेंट रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र की सैलरी है दोस्तों दुबई में। अगली जो पोजीशन है दोस्तों वो है रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र की। रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र एक शिफ्ट को हैंडल करते हैं रेस्टोरेंट में। अगर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर नहीं होता या रेस्टोरेंट मैनेजर नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र की होती है। इनकी सैलरी 2200 से लेकर 2600 अरब दिरहम है, जो कि भारत के 41,800 रुपये से 49,400 रुपये तक होती है, प्लस में बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यह बेनिफिट्स हो सकते हैं कि इंसेंटिव बोनस है ना, ये हो सकता है, और अलाउंस, ये सारी चीज़ें इस बेनिफिट्स में आएंगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सबसे बड़ी पोस्ट है वो है ARM की, या असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर है दोस्तों। 30 इसकी पोजीशन खाली है और ये पिज़्ज़ा हट में है, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा दुबई में बिकता है, इसीलिए असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की डिमांड है, और डिमांड है तो इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी, 5,000 दोस्तों, 5,000 अरब धिरम सैलरी इनकी, और 5,000 अरब धिरम भारत के 95,000 रुपये होते हैं दोस्तों, 95,000 रुपीज़ प्लस बेनिफिट्स। तो अगर आपकी के पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब को के लिए ज़रूर आप अप्लाई कर दें। तकरीबन 1,00,000 रुपये आपको हर महीना मिलने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों बहरैन के बारे में बता दिया और दुबई के बारे में बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ कि
जॉब इन कुवैत। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में भी नौकरियां खाली हैं, और कुवैत में नौकरी है पहली है बैरिस्टा की जॉब। बैरिस्टा क्या करते हैं, ये देखो, वेलकम करते हैं कस्टमरों का, है ना, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं टीम की, कोई क्वेश्चन वगैरह अगर कस्टमर के होते हैं तो उनको आंसर करते हैं, है ना, फूड प्रिपरेशन करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये सब बैरिस्टा की पोजिशन होती है दोस्तों। ये 140 KD इनकी सैलरी है, और 140 KD भारत के 32,600 रुपये होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल इनसे मैच खाती है तो प्लीज़ इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर दें, बैरिस्टा के लिए, ठीक है। कुवैत में सिर्फ यही पोजीशन खाली है, और भी अरब देशों में नौकरी के लिए मेरे चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल मैच खाती है या आपके दोस्त की, आपके फैमिली में किसी भी मेंबर की, तो प्लीज़ उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। अब आ जाते हैं सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, अब सऊदी अरब में जो नौकरी है वो है टीम मेंबर की दोस्तों। टीम मेंबर मैंने आपको बताया वह होते हैं जो किचन में और काउंटर पर कहीं भी कार्य करते हैं, है ना, यह सभी स्टेशन पर ट्रेंड होते हैं। और टीम मेंबर वह भी होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। दो तरीके के टीम मेंबर होते हैं, एक तो सीनियर टीम मेंबर, एक जूनियर और एक फ्रेशर। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी टीम मेंबर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनकी सैलरी दोस्तों 1500 होगी सऊदी रियाल, प्लस इनको ड्यूटी मील खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो सऊदी अरब में टीम मेंबर की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। और 1500 सऊदी रियाल जो होते हैं वो 28,500 रुपये होते हैं दोस्तों, भारत के 28,500 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे दोस्तों। ये जो मैंने सभी आपको चार देशों में नौकरियाँ बताई हैं, बहरैन, दुबई, कुवैत और सऊदी अरब, इन सभी नौकरियों के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, आप उन लोगों से कॉल करें, अपना रिज्यूम अच्छा सा बनाएं और उन लोगों को मेल करें। इनमें से किसी भी कोई भी जॉब प्रोफाइल आपकी मैच खाती हो, तुरंत आपको कॉल करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे दोस्तों, है ना। और भी कोई अगर आपके मन में सवाल है, आपको लगता है मुझे किन किन टॉपिकों पे वीडियो बनानी चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरा पेज लाइक कर लें, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट में मिल जाएगी दोस्तों। मैं जनता की भलाई करना चाहता हूँ कि हर एजुकेटेड बंदे को बहुत अच्छी जगह नौकरी मिले, तो आप भी मेरी उसमें मदद करें और मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं मोहम्मद अखलाक ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करूंगा, आपको नौकरियों वाली वीडियोस दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।